नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल वाला सेशन चल रहा था, जिसे कंटिन्यू करते हुए आज एक और नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। क्लियर दोस्तों? तो आज उन सभी सिद्धांतों को हम जानने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा महासागरों और महा जो द्वीप है उनकी उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जो है उसका बेसिक समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े उससे पहले कुछ आवश्यक बातें जो आपको बताना आवश्यक समझता हूं। जैसे कि ये जो सीरीज चल रही है, ये सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ये खास करके इसमें आपको स्टडी करनी होती है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को मैच करके। यदि आपके सिलेबस में भौतिक भूगोल वाला विषय है और उस भौतिक भूगोल वाले विषय में जो है 90% तो ये सभी टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन फिर भी एक बार आपके सिलेबस को आप रीचेक जरूर कर लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेरे द्वारा विषय दिए जा रहे हैं, जो टॉपिक दिए जा रहे हैं, उनको भी मैच कर लें। अगर यदि टॉपिक मैच भी होते हैं तो आपको आपकी स्टडी के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, संपूर्ण कंटेंट प्राप्त होगा। क्लियर है? इन सब के अलावा यदि आप पहली बार सेशन में आए हैं तो आपके लिए जानना भी जरूरी होगा कि हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में वो सभी विषय उपलब्ध करवा दिए गए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई फीस लिए। लेक्चर और नोट्स सब कुछ आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। आप नंबर ऑफ लिस्ट वाले चैनल जो है सब्जेक्ट देख पाएंगे यदि आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो या थर्ड ईयर में हो, कोई मैटर नहीं करता। वो सारे विषय आपको इस चैनल पर पढ़ने को मिलेंगे जो यूट्यूब के अन्य प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। इस सबके अलावा यदि आप कोई ऐसे चैनल की खोज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर जो आप कि प्रतियोगी परीक्षा में आपका शुरू से एंड तक साथ दे सके, सभी जीएस के सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज चैप्टर और फुल डिटेल में नोट्स के साथ में पढ़ा सके, यदि ऐसे चैनल की खोज कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको प्रज्ञान हिंदी को जरूर विजिट करना चाहिए। प्रज्ञान हिंदी आपकी प्रतियोगी परीक्षा की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकदम सटीक है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अपने सिलेबस को। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि सभी छात्रों को जो भी बीए फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी स्टेट से हो, ये जो सिलेबस मैं आपको हर एक सेशन में देता हूं ना, दिखाता हूं, ये सारे टॉपिक जो है हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, तो ये टॉपिक आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए। यदि ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस से मैच होते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप बस इस चैनल के या कहें कि इस सब्जेक्ट के कंटेंट को फॉलो कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि सारे टॉपिक मैच ना हो, कुछ टॉपिक मैच हो रहे हो, कुछ ना हो रहे हो, तो कुछ टॉपिकों को जो मैच हो रहे हैं उनके लेक्चर भी यदि आप देखते हो या लेक्चर नंबर 1 से एंड तक देखते हो, उसके बाद में यदि कोई टॉपिक मैच नहीं भी हो रहा है ना, और उसको लेक्चर देखने के बाद यदि आप किसी भी किताब से भी पढ़ते हो तो भी वो बिनू एक ही रीडिंग में आपको फर्स्ट टाइम रीडिंग में ही समझ आएंगे, बहुत आसानी से समझ आने लगेगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। आइए बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की ओर और जानते हैं कि आज के टेबल ऑफ कंटेंट में क्या दिया गया है, मतलब कि हमें आज के पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम यहां बात करने वाले हैं कि महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में। कुछ स्टूडेंट तो बीए फर्स्ट ईयर में है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा सा बिल्कुल मैं जीरो से एकदम बेसिक से लेकर के चलूंगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ समझ आए। या देखिए, महाद्वीप और महासागर, आज जो हमारी पृथ्वी है और जो महाद्वीप या महासागर जितने की भी उत्पत्ति हुई, जो बने हुए हैं ना, पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बने हुए हैं, समझ पा रहे ना? क्योंकि हम जहां निवास करते हैं, हम कहां रहते हैं? महाद्वीपों पर, महाद्वीप पर, समझ आ रहा है? महाद्वीप पर। हम कौन से महाद्वीप पर रहते हैं? एशिया महाद्वीप पर। तो ऐसे ही जो अलग अलग महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, है ना, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, तो ये सारे महाद्वीप कहां पर बने हुए हैं दोस्तों? तो पृथ्वी के धरातल पर। अच्छा, महासागर जिन्हें हम समुद्र कहते हैं वो कहां बने हुए हैं? तो वो भी पृथ्वी के धरातल पर ही बने हैं। तो आज का मेन सेशन ये है कि हमें ये जानना है कि ये जो धरातल है, धरातल पर जो महाद्वीप बने हैं और महासागर बने हैं, क्योंकि महाद्वीपों की महाद्वीप ऊंचे हैं और महासागर गहराई में है, अर्थात नीचे है,
तो पृथ्वी के धरातल पर ये ऊबड़ खाबड़ जैसी स्थिति बनी क्यों? बात समझ आ रही? तो ये जो परिस्थिति बनी है, जो पृथ्वी की स्थिति बनी है पृथ्वी के धरातल पर, ऊंची और नीची स्थिति, ऊंचाई पर कौन है? महाद्वीप है। नीचाई पर अर्थात गहराई में, जो गहराई थी वहां पर पानी भर गया, इसलिए वो सागर बन गए। क्लियर है? तो इनकी उत्पत्ति एक्चुअल में कैसे हुई है? तो इसकी सटीक उत्पत्ति के बारे में तो कोई बता नहीं सकता, इसीलिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने मत दिए गए हैं, अनुमान लगाया गया है। तो उन्हीं मतों को, उन्हीं अनुमानों को, या कहें कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे लॉर्ड केल्विन साहब का मत। ठीक है, लॉर्ड केल्विन क्या कहते हैं महासागरों महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में। उसके बाद में सेकंड नंबर में हम डिस्कस करेंगे लेफवर्थ और लव की परिकल्पना क्या रही है, मतलब लेफवर्थ साहब और लव जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, माफ कीजिएगा, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में क्या कहते हैं। इसके अलावा चतुष्फलक परिकल्पना क्या है, इसके अलावा टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो ये सारी बातें हम ये चार सिद्धांतों के बारे में विशेष रूप से आज के सेशन में समझने वाले हैं। सबसे पहले लेंगे लॉर्ड केल्विन का मत, आइए इसी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल एकदम व्यवहारिक होने वाला है, ज्योग्राफी है, बिल्कुल एकदम 100% समझ आएगा। बिल्कुल ये सोचिए ही मत कि आप स्टडी कर रहे हो, एक कहानी के रूप में सिर्फ सुनने का प्रयास करना, कुछ भी अभी नोट डाउन मत करना। नोट डाउन करने के लिए मैं आपको ये पीडीएफ नोट्स देता हूं, लेक्चर खत्म होने के बाद ना नोट्स को सामने रख के जितना नोट डाउन करना कर लीजिएगा, आराम से शांति से, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बात समझ आ रही ना? क्योंकि अभी करोगे मैं बीच में आ जाऊंगा, आप बोलोगे सर साइड में हो जाइए, है ना, नोट डाउन करना है, तो वो सारी स्थिति, क्योंकि आपका दिमाग जो वहां डाइवर्ट हो जाता है नोट डाउन करने पे, जो मैं बोलना चाहता हूं समझाना चाहूंगा ना वो समझ नहीं आएगा आपको। तो पहले इसको समझ लीजिए एकदम व्यवहारिक रूप से, कहानी के रूप में। या देखिए, ये बात तो आपको समझ आ चुकी है ना कि पृथ्वी का जो ऊपरी धरातल है उसी पर महासागर भी बने हैं और धरातल भी बना हुआ है, मतलब महाद्वीप भी बने हमारे। बात समझ आई? तो उन्हीं की उत्पत्ति के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सिद्धांत लिया है किसका, है ना। अच्छा, सिद्धांत से पहले थोड़ी सी बेसिक व्याख्या हम इसकी करेंगे, उसके बाद में हम आगे सिद्धांत पर बढ़ेंगे। देखिए क्या कहा गया कि महाद्वीप और महासागर जो है इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। सॉरी यार, चलिए, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनको हम दो संबंध में, या कहें कि दो वर्गों में बांट सकते हैं। दो कौन कौन से वर्ग हो सकते हैं? एक वर्ग तो वो हो सकता है जिसमें कहा गया है कि महाद्वीप तथा महासागरों में स्थायित्व स्थायित्व है, मतलब ये कि पृथ्वी पर जो जहां पर महाद्वीप है वहीं पर प्राचीन काल में भी वहीं पर ही थे, जहां आज महासागर है वो पहले वहीं थे, है ना। इनमें मतलब कि कोई संचलन नहीं हुआ है, हलचल नहीं हुई है, बल्कि वो अपने स्थान पर ही है, अर्थात स्थायित्व है उनके अंदर। बात समझ आई क्या? जो महाद्वीप और महासागर है उनमें कोई हलचल नहीं हुई है, वो जहां पहले थे आज भी वहीं हैं, उनका निर्माण वहीं पर हुआ है। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार का मत है। अच्छा, इस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले कौन कौन विद्वान है? तो केल्विन साहब है, सोलास है, लेफवर्थ है, चेम्बरलेन है, मोल्टन है, ठीक है, लोथियन ग्रीन है, ये आदि आदि ये सभी विद्वान जो है इस बात में विश्वास करते हैं कि महासागर और महाद्वीप जो पहले जहां थे आज भी वही हैं, उनका निर्माण वही हुआ था, ये कहीं और से नहीं आए हैं। बात समझ आई क्या? इसके अलावा दूसरी विचारधारा पिक्चर के माध्यम से समझाऊंगा। दूसरी विचारधारा कहती है, क्या कहती है दूसरी विचारधारा? ये कहती है कि जो महाद्वीप या महासागर है उनका क्या हुआ है? प्रवाह हुआ है, प्रवाह हुआ है। प्रवाह हुआ मतलब कि महाद्वीप थे, टूटे, टूट करके आगे चले, आगे बढ़ गए, दूसरे किसी और से जाकर के मिल गए। इस तरह से मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो दूसरे वर्ग की विचारधारा में विश्वास रखने वाले विद्वानों का मानना है कि पहले जो पूरी पृथ्वी थी या धरातल था वो एक गोले के समान था, बाद में उसमें टुकड़े हुए, टूटे और उनका प्रवाह हुआ, बहने लग गए वो, ठीक है। और आज की जो स्थिति हम देख रहे हैं ये प्राचीन स्थिति से एकदम अलग है। जैसे इस पिक्चर में थोड़ा साइड में हो जाता हूं, उसके बाद थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। इस पेन टेप को ऐसे लेता हूं मैं, है ना। अब देखिए जरा,
अभी कोई पिक्चर क्लीन दिख रही होगी, मेरा सिर्फ कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ समझाने का उद्देश्य है ताकि आप लोग व्यवहारिक रूप से समझ जाए इस बात को। क्योंकि जितना अच्छे से आप इस पेज पर, इस स्लाइड पर समझ जाओगे ना, आगे का सेशन आपका एकदम इजी हो जाएगा। देखिए, दोनों विचारधाराओं को इस पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर पहली विचारधारा के अनुसार। पहली विचारधारा क्या बोल रही है? पहली विचारधारा बोलती है कि जहां पर महाद्वीप थे और जहां पर महासागर थे वो स्थायी है, उनमें हलचल नहीं हुई है, उनका प्रवाह नहीं हुआ है। जैसे ये जो आप जमीन टाइप का देख रहे हैं ना, ये क्या है? आपके महाद्वीप है, ठीक है। और ये जहां पर जल भरा हुआ है ये क्या है दोस्तों? ये आपके महासागर है। बात समझ आई? तो इन पहली विचारधारा का कहना है कि इनका निर्माण जो है ना यहीं पर हुआ है, इनमें स्थायित्व है, यहीं पर हुआ है, ये कहीं से बेकर नहीं आए हैं। अच्छा, इसको अच्छे समझने के लिए दूसरी विचारधारा को आप समझ लीजिए, पहली विचारधारा अपने आप समझ जाएगी। दूसरी विचारधारा क्या बोलती है कि इनका क्या हुआ है? प्रभाव हुआ है। मतलब क्या हुआ? देखिए, कहने का अर्थ यह है कि जो धरातल आपको ये दिख रहा है, जो महाद्वीप ये पूरा भाग आपको दिख रहा है ना, पूरा वाला महाद्वीप, ये सब एक समय में जुड़े हुए थे, एक गोले के आकार में जुड़ा हुआ था, ये पूरा एरिया जुड़ा हुआ था, ये पूरा एरिया ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। बाद में इसमें दरार पड़ी, ये अलग हुआ, अलग होकर के कुछ इस प्रकार के आकार का आया, आकार का बना, जिसमें आप ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप का एरिया है, ये एशिया महाद्वीप का एरिया है, जिसमें आपका ये प्यारा भारत भी दिख रहा है आपको लास्ट में, ये है ना, ये खाड़ी देशों वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, इस अफ्रीका महाद्वीप में सभी जो है अमेरिका महाद्वीप जो है ना, ये टूटकर अलग नहीं हुआ है, तो ये बाद में टूट करके अलग अलग हुए हैं, इनका प्रभाव हुआ है, टूटकर अलग होने के बाद में इनका प्रभाव हुआ है विषुवत रेखा की ओर, ऐसा इन लोगों का मानना है। क्या बात समझ आई? तो दोनों विचारधारा किस प्रकार की थी? एक विचारधारा का मानना था कि ये गोले जो है जो प्राचीन समय में थे आज भी वही है, इनमें कोई हलचल नहीं है, इनका प्रभाव नहीं हुआ है। दूसरी विचारधारा के विद्वानों का मानना है कि इनमें प्रभाव हुआ है, पहले गोलाकार में, गोले के आकार में थी, बाद में इनमें दरारें पड़ी, टूटने लगे और अलग अलग महाद्वीप जो है अलग अलग और बहने लग गए। बात समझ आई? तो ये दोनों विचारधाराओं को आपको आज के सिद्धांत में पढ़ना है। क्लियर है? एक सेकेंड के लिए दोस्तों, एक सेकेंड। ओके, चलिए, तो दोनों विचारधारा आपको बेसिकली समझ आ गई ना, बेसिक समझना है खाली हमको। चलिए अब हम बात करते हैं जरा केल्विन साहब की। अच्छा हाँ, दूसरी विचारधारा मानने वाले मेन है आपके, जो आगे तक आप लोग पढ़ोगे, आगे तक आपको पढ़ने को मिलेगा, टेलर और बेगनर, टेलर साहब और बेगनर के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इनको काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक विद्वान के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। जो पिक्चर देख रहे हैं आप, कुछ मशीन पर काम कर रहे हैं साहब, इनका नाम है लॉर्ड केल्विन साहब, ठीक है, लॉर्ड केल्विन। वो नीचे वाली पिक्चर में आपको एक गोल, गोले का आकार का एक वायव्य दिख रहा है, मतलब वायु के, वायु का एक गोला दिख रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, धूलकण बहुत कुछ समाहित है, है ना, एक प्रकार का गोला है ये वायव्य गोला, जिसको हम बोलते हैं वायव्य आकार का एक गोला है। वायव्य गोला किसको बोलते हैं हम? जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें समाहित हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के धूलकण समाहित हो, ठीक है ना, उसका एक गोल आकार का गोला है, एक जलता हुआ गोला भी उसको आप कह सकते हो। क्लियर है? दोनों पिक्चर का आपने नाम सुन लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, केल्विन साहब का क्या मत है, जरा इसको समझते हैं। केल्विन साहब का स्पष्ट ये मानना था सबसे पहले तो कि साहब जो पृथ्वी थी ना, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी बनी थी पहली बार, तो उस समय पृथ्वी एक कुंडलाकार, वायव्य कुंडलाकार निहारिका की तरह थी। पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई है? वायव्य कुंडलाकार निहारिका से हुई है, निहारिका से हुई है। ये जो नीचे की पिक्चर देख रहे हैं, वायव्य कुंडलाकार मतलब कि गोलाकार, वायव्य गोलाकार, ठीक है, वायु के गोले के आकार की जो निहारिका थी, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो संभवतः पृथ्वी भी कुछ इस प्रकार की रही होगी। तो पृथ्वी भी एक वायव्य आकार की थी, जो आगे चल करके, पहले तो ये वायव्य थी, वायव्य मतलब कि वायु का एक गोला थी, बाद में ये पृथ्वी क्या हुआ, ठंडी हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, ठंडी होने से पृथ्वी का जो धरातल था, बाहर का जो धरातल था, उस धरातल का निर्माण हुआ चट्टानी रूप में। वो चट्टानी रूप में किस प्रकार हुआ था, कल वाले सेशन में हमने अच्छे से पढ़ा था, है ना, विभिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ,
याद आ रहा कुछ? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना। तो पृथ्वी जब पहले तो वायव्य आकार की थी, बाद में ठंडी होने लगी, ठंडी होने से क्या हुआ, उसकी बाहर की जो परत थी वो कठोर होने लगी, जिस उसके कठोर होने से उसके धरातल का निर्माण हुआ। पृथ्वी के ठंडी होते समय क्या हुआ, देखिए कोई भी वस्तु होती है जब गर्म होती है ना, गर्म होकर के जब वो ठंडी होने लगती है बाहर की ओर से, तो उसमें सिकुड़न चालू होती है, सिकुड़न चालू होती है। यहां पर केल्विन साहब का यही कहना है कि पृथ्वी पहले गर्म थी, बाद में ठंडी होने से चारों तरफ से कठोर होने लगी, ठंडी हुई कठोर होने लगी तो उसमें सिकुड़न होने लगी, सिकुड़न होने से, ध्यान से सुनिएगा, सिकुड़न होने के कारण इसका कुछ भाग ऊंचा रह गया, कुछ भाग ऊंचा रह गया और कुछ भाग में सिकुड़न ज्यादा होने से नीचे की ओर धस गया, नीचे धस गया। तो जो ऊपर रह गया वो तो आपके महाद्वीप बन गए जहां पर आज आप निवास करते हो, और जो नीचे की ओर धस गए सिकुड़न होने से वो क्या बन गए, महासागर बन गए, उनमें पानी भर गया, पानी भरने से वो महासागर बन गए। आगे चलकर के वायुमंडली जलवाष्प से ये निचले भाग जलवाष्पित होकर के भर गए, पानी से भर गए, वर्तमान महासागरों का इससे निर्माण हो गया। तो ये कहना था लॉर्ड केल्विन साहब का एक छोटे से सिद्धांत के रूप में, एकदम एकदम सटीक शब्दों में। अगर हम आम शब्दों में समझें, सामान्य भाषा में बात करें, तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा पृथ्वी के महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में। उन्होंने कहा कि साहब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय ये वायव्य अर्थात की गैस के गोले की गोले से बनी हुई थी, बाद में ये उस समय गर्म थी, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, पृथ्वी ठंडी होने लगी। ठंडी होने से क्या होता, कोई वस्तु जब ठंडी होती है तो उसमें सिकुड़न होती है, तो पृथ्वी में भी सिकुड़न होने लगी। सिकुड़न होने से क्या हुआ कि कुछ भाग इसका ऊपर रह गया, कुछ भाग नीचे धस गया, नीचे रह गया, नीचे हो गया। तो जो ऊपर रहा वो महाद्वीप बन गया, जो नीचे हो गया वो उसमें बाद में जल वाष्प के कारण पानी भरने लगा और वो महासागर बन गए। दैट्स ऑल, इतनी सी कहानी इनकी, क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, लेफवर्थ और लव की परिकल्पना क्या, लेफवर्थ और लव के सिद्धांत क्या है महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में। चलिए इनके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। अब लगभग लगभग ना इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए लेफवर्थ का कहना है कि सागर और महाद्वीप की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की प्रक्रिया है, वलन की क्रिया है पृथ्वी का। अब देखिए सिकुड़न और वलन, सिकुड़न और वलन कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बस केल्विन के परिकल्पना में इतना ध्यान रखना है कि उन्होंने सिकुड़न की बात की तो कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे रह गया। वही लेफवर्थ कहते हैं कि पृथ्वी में जो वलन की क्रिया हुई, फोल्ड की क्रिया हुई, फोल्डिंग होने की, उस फोल्डिंग होने के कारण कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे हो गया। बात वही है, लेकर के ये भी वही जा रहे हैं। क्या कहा कि पृथ्वी से ऊष्मा का निरंतर ह्रास होता गया। भाई पृथ्वी स्टार्टिंग में गर्म थी, बाद में धीरे धीरे ठंडी हुई, तो ठंडी कब होती है, जब उसकी ऊष्मा गायब होने लगती है। बस अरे दूध, गर्म दूध का गिलास आपके पास आता है तो 5 मिनट पे आपकी मम्मी जब दूध का गिलास लेकर के आती है गर्म गर्म, तो 5 मिनट बाद जब उसको टच करते हो आप, तो क्या तब भी उतना ही गर्म होता है या ठंडा हो जाता है? वो ठंडा क्यों हुआ, क्योंकि उस गर्म दूध के गिलास ने अपनी ऊष्मा का कुछ भाग खो दिया है। तो ऊष्मा का कुछ भाग निकल जाने से क्या हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा का उस वह दूध का गिलास ऊष्मा का निरंतर ह्रास कर रहा है, निरंतर ऊष्मा खो रहा है। बात समझ आई? तो पृथ्वी के हाल भी कुछ ऐसे ही थे, प्रारंभ में गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी हुई मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा का निरंतर ह्रास हुआ। इन्होंने शब्द को पलट दिया, अर्थ वही है। केल्विन का कहना और लेफवर्थ का कहना लगभग लगभग सेम है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है और कुछ भी नहीं, शब्दों का हेरफेर है। इन्होंने कहा कि पृथ्वी से ऊष्मा का ह्रास हुआ जिस कारण पृथ्वी के क्रस्ट में, मतलब पृथ्वी के ऊपरी धरातल में संकुचन प्रारंभ हुआ, सिकुड़न चालू हो गई। अब बताइए ना कहां पर लगे, सेम सिद्धांत है ना, सिर्फ शब्दों का एयरफेयर है और कुछ ज्यादा विशेष डिफरेंट नहीं है। केल्विन का कहना था कि पृथ्वी ठंडी हुई उसमें सिकुड़न चालू हो गई। यहां पर यह भी लेफवर्थ भी तो यही कह रहे हैं कि पृथ्वी ठंडी हुई, उसने पृथ्वी ने अपनी ऊष्मा को खोया जिससे क्या हुआ उसे क्रस्ट में संकुचन मतलब सिकुड़न चालू हुई, फिर सिकुड़न के कारण ही भूपटल पर वलन की क्रिया प्रारंभ हो गई। वलन की क्रिया फोल्डिंग होना, कहीं ऊंचा कहीं नीचा होना। वलन का ऊपरी भाग जो था वह धरातल बन गया, निचला भाग सागर बन गया।
दैट्स ऑल। लव की परिकल्पना भी लगभग लगभग कुछ इसी प्रकार की थी, उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस करके और इसको प्रस्तुत कर दिया। किसमें चेंजेस? लेफ्टवर्थ की परिकल्पना में थोड़ा बहुत फेरबदल करके और लव साहब ने अपनी परिकल्पना रख दी, कोई विशेष चेंजेस नहीं करा, जो इन्होंने कहा था वही इसमें भी कहा गया है, ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोनों की लगभग एक जैसी ही परिकल्पना है, विचार है, इसलिए एक साथ इन दोनों को रखा था। इसके बाद में है चतुष्फलक परिकल्पना। हाँ, इसमें थोड़ी सी सत्यता नजर आती है, इसमें थोड़ा अलग कहने का प्रयास किया गया। क्या कहा, जरा सुनिए ध्यान से। ये चतुष्फलक परिकल्पना लोथियन ग्रीन के साहब के द्वारा दी गई थी। अच्छा, क्या होती है चतुष्फलक आकृति? क्या चतुष्फलक क्या होता? तो चतुष्फलक जो है ना, ये वो आकृति होती है जिसमें बराबर चार भुजा वाले त्रिभुजों की बनी होती है। क्या कहा? बराबर बराबर भुजाओं वाले चार त्रिभुजों की बनी होती है, चतुष्फलक चतुष्फलक आकृति। चतुष्फलक का मतलब होता है चार त्रिभुजों की बनी हुई आकृति, जिसमें चार त्रिभुज हो, बराबर भुजाओं वाले चार त्रिभुज। समझिए ध्यान से इसको, किसकी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, लेकिन बराबर भुजाओं वाले चार त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? चतुष्फलक आकृति कहते हैं। ग्रीन ने भी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ज्यामिति के इन दो तथ्यों के आधार पर किया था। ज्यामिति के तथ्यों के आधार पर, कौन से दो तथ्यों के आधार पर? एक तो उन्होंने कहा था, एक तथ्य तो था कि एक एस्फियर मतलब गोला, एक गोल आकार का एक गोला, वह आकृति जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्रफल से अधिक होता है। क्या कहा उन्होंने? दो बातें रखी, दो तथ्य रखे ज्यामिति के अनुसार, ज्योमेट्री के अनुसार उन्होंने दो तथ्य, दो बातें कही, दो तथ्य रखे। उन्होंने कहा कि एक तो एस्फियर होता है और एक चतुष्फलक होता है। एक एस्फियर मतलब क्या होता है? गोला होता है। कौन सा गोला मतलब कौन सी आकृति? जिस आकृति में जो आयतन होता है ना, उसके अंदर का आयतन जो होता है उसके धरातल के क्षेत्रफल से ज्यादा होता है। जैसे ये मान लीजिए कि पृथ्वी का जो बाहरी क्रस्ट है, बाहरी परत है, उसके क्षेत्रफल से ज्यादा पृथ्वी के अंदर का मटेरियलिक जो आयतन है वो आयतन ज्यादा होगा। और चतुष्फलक आकृति दूसरे नंबर में कहा, तथ्य में क्या कहा? चतुष्फलक आकृति। इसमें कहा कि जो आयतन है ना, उसके धरातल के क्षेत्रफल से कम होता है। दोनों बातें। अब ये को, इन बातों को, इन तथ्यों को उन्होंने आगे कैसे सिद्ध किया है, आइए सिद्धांत में समझते हैं। ग्रीन के अनुसार यदि एक स्फीयर मतलब एक गोला, एक स्फीयर के धरातल पर चारों ओर से समान दबाव डाला जाए तो स्फीयर चतुष्फलक के आकार में बदल जाएगा। भाई ध्यान रखना एक बात को, जो गोला स्फीयर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखना उसका आयतन जो है उसके धरातल के क्षेत्रफल से ज्यादा होता है। लेकिन अब देखिए, अब वो स्फीयर है, गोला है, चार तरफ से उस पर समान दबाव डाला गया, उससे क्या होगा? वो एक चतुष्फलक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, चतुष्फलक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, दब जाएगा। परिवर्तित होने से क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। जब पृथ्वी की रचना हुई तो प्रारंभ में वह एक गोले के रूप में थी, प्रारंभ में पृथ्वी अत्यंत गर्म थी और धीरे धीरे शीतल हो गई और उसका आंतरिक भाग जो है, आंतरिक भाग भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होने के अलावा परिणाम स्वरूप आंतरिक भाग में अधिक संकुचन आने के कारण उसका आयतन घटने लगा। पहले आयतन ज्यादा था, जब वो गर्म था धीरे धीरे ठंडी होने लगी, सिकुड़न आने लगी, जिसके कारण उसका अंदर का जो आयतन था ना वो कम होने लगा। और आयतन कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ? बाहर का जो क्षेत्रफल था, जो बाहरी परत का क्षेत्रफल था, क्रस्ट का क्षेत्रफल था, वो बढ़ने लग गया। उसके ऊपरी भाग शीतल और ठोस हो चुका था, इसलिए उसमें और अधिक सिकुड़न नहीं आ सकी। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के ऊपरी और आंतरिक भाग में बहुत ज्यादा अंतर आ गया, अंदर के भाग में और बाहर के भाग में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका था। इस तरह शीतल होने तथा संकुचन के कारण पृथ्वी ऐसी अवस्था में आने लगी जिसका आयतन कम होने लगा और क्षेत्रफल बढ़ने लगा। बात समझ आई क्या, है ना? तो यहां पर भी कहने का प्रयास वही किया गया है इस सिद्धांत में भी, कि पृथ्वी में अंततः सिकुड़न आई, लेकिन पहले पृथ्वी बाहर की जो परत थी वह पहले शीतल हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी, जिसका कारण से वो कठोर रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। इसलिए जब आंतरिक भाग ठंडा होने लगा, उसमें सिकुड़न आने लगी, तो अंदर के भाग में सिकुड़न आने के साथ बाहर का भाग में ज्यादा सिकुड़न नहीं आ पाई,
कारण क्या था कि पहले वो कठोर हो चुकी थी इस कारण से, तो अंदर के भाग भी शीतल होने के धीरे धीरे शीतल होने लगा, इसलिए उसका आयतन कम होने लगा। जब अंदर का आयतन कम होगा तो बाहर के क्षेत्रफल का आयतन अपने आप बढ़ जाएगा दोस्त। हाँ समझ आई। तो यहां पर इस सिद्धांत के अनुसार ये तथ्य रखे गए हैं जिसे हम ज्योमेट्री के अनुसार या ज्योमेट्री पर आधारित सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत को हम ज्योमेट्री पर आधारित सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी के सिद्धांत की, जिन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी स्थायित्व नहीं है, महासागर और महाद्वीप जो है वो स्थायित्व नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव हुआ है, प्रभाव हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा, उसके आगे मैं यहां पर देखता हूं कोई पिक्चर डाल रखी है क्या, नहीं डाली हुई है। तो पहले तो दोस्तों हम जो है इस पिक्चर को जरा उठाते हैं, इस पिक्चर को लेते हैं, एक सेकंड वापस ब्रेक चलते हैं। चलिए थोड़ा मैं यहां पर एक पेज ब्लैंक पेज लेता हूं, एक बेसिक यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी है ये, इसमें बीच में मैंने इसके बीचों बीच एक रेखा खींची, ठीक है, बीचों बीच में मैंने क्या करा, एक रेखा खींची। इस रेखा को मैंने नाम दिया विषुवत रेखा। क्या नाम दिया दोस्तों? पूरा नाम नहीं लिखूंगा, मुंह से बोल रहा हूं, विषुवत रेखा। और वास्तविक रूप से आज भी पृथ्वी परत के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और इसी रेखा के आधार पर ही हमारे मौसमों का निर्धारण होता है, ठीक है ना, मौसम का निर्धारण होता है। समय आने पर इसको भी हम पढ़ेंगे, शायद पढ़ा चुका हूं मैं पहले इसको, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा भी इसको कहेंगे, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। संभवतः यदि आप लेक्चर नंबर 1 से अटेंड कर रहे हैं क्लासेस को तो यहां पर डिफिकल्टी नहीं आएगी आप लोगों को। सुनिए, ये विषुवत रेखा सामान्य सिद्धांत समझ लीजिए, यहां पर यह कहा गया है कि प्रारंभ में जो है जो हमारे पूरे महासागर या महाद्वीप जो थे ना वो कठोर रूप में जो थे, पृथ्वी का ऊपरी धरातल वो दो हिस्सों में था, ये मान लीजिए कि एक आकार कुछ यहां पड़ा हुआ था उत्तरी ध्रुव पे, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के पास पड़ा हुआ था, और एक कुछ हिस्सा जो था, एक आधा हिस्सा ये दक्षिणी ध्रुव पर पड़ा हुआ था, ये कुछ यहां पर पड़ा हुआ था, ठीक है, ये यहां पर वाला हिस्सा यहां पड़ा हुआ था। अब इन्होंने कहा कि ये जो दोनों पार्ट हैं इनका प्रभाव हुआ है, मतलब ये कि जो उत्तरी ध्रुव वाला था ना ये विषुवत रेखा की ओर, दोनों ही विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगे, बहने लगे, विषुवत रेखा की ओर बहने लगे, और जब ये बहकर के विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ रहे थे उसी समय में इनमें दरारें पड़ी और ये टूटकर अलग अलग हुए, जैसे कि ये जो उत्तरी ध्रुव वाला जो हिस्सा था ये टूटा तो इसी में से एशिया महाद्वीप का निर्माण भी इसमें से हुआ और यूरोप महाद्वीप का निर्माण इसमें से हुआ, नीचे का जो हिस्सा था जब ऊपर टूट करके ऊपर की ओर आने लगा तो इसमें से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण इसमें से हो जाता है, ठीक है, और जो भारतीय भारतीय लैंड था है ना, इंडो, ठीक है, इंडो का जो क्षेत्र था उसका निर्माण इससे, वही अफ्रीका महाद्वीप का और जो है दक्षिणी अमेरिका का इसी से निर्माण होता है नीचे वाले हिस्से से। सिंपल अगर मैं कहूं कि इनका प्रवाह किसकी ओर होने लगा, विषुवत रेखा की ओर होने लगा, विषुवत रेखा की ओर। अब विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होने से सिर्फ प्रवाह कुछ समय में नहीं हो गया कि एक दिन दो दिन या एक दो साल में हो गया, कई लाखों साल लगे प्रवाहित होने में। जब प्रवाहित धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर ये आगे बढ़ने लगे, क्यों बढ़ रहे थे उसका रीजन मैं आपको सिद्धांत पढ़ाते वक्त बताऊंगा, आगे बढ़ने लगे, ठीक है, विषुवत रेखा की ओर बीच में आने लगे, तो ये आते आते इनमें कई टुकड़े हुए, विखंडित हुए, टूटे, जिससे हमारे आज के जितने महाद्वीप है उनका निर्माण हुआ। ये बेसिक सी बात समझ आ गई आप लोगों को, कौन सी, विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली, ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब सुनिएगा, टेलर 1908 में एफ वी टेलर ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। क्या कहा गया? महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। ये एफ वी टेलर का पूरा नाम लिख लीजिए, फ्रैंक वर्सले टेलर,
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा गया कई बार आप लोगों से और आप लोग आंसर नहीं दे पाए इसका। क्या महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत इन्होंने दिया, कब दिया था, 1908 में दिया था। ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को, आंसर बता रहा हूं मैं। बर्सले या टेलर ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब दिया था, 1908 में। अच्छा, कब प्रकाशित हुआ, 1910 में, दो साल बाद। ठीक है, टेलर का जो स्थलीय जो सिद्धांत था, स्थलीय भाग के क्षैतिज स्थानांतरण से संबंधित था। क्षैतिज स्थानांतरण मतलब कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का, स्थानांतरण होने का, हॉरिजॉन्टली टूट करके प्रभावित होने का सिद्धांत। और खास करके जो ये सिद्धांत था ना, ये मोरदाल पलित जो वलित पर्वत है, जो हमारे हिमालय, कौन सा पर्वत है, बलित पर्वत है। बलित पर्वत मतलब फोल्डिंग वाला पर्वत है, जो पृथ्वी के दो हिस्सों के आपस में टकराने से उसका जो मलबा था अंदर भरा हुआ। सुनिएगा, मान लेते हैं कि पहले महासागर था, उसमें विभिन्न प्रकार का मलबा भरा हुआ था। अब एक बहुत छोड़ा, एक प्लेट, एक पृथ्वी की प्लेट इधर से आ रही है और एक पृथ्वी की प्लेट इधर से आती है, दोनों आपस में जैसे जैसे पास आएगी तो क्या होगा, जो बीच में महासागर में मलबा भरा हुआ था, वो मलबा क्या होगा, इन दोनों प्लेट के पास में आने से मलबा ऊपर की ओर पिचकना चालू होगा। तो ऊपर की ओर धसना चालू हुआ तो क्या हुआ, वो इतना मलबा था कि हिमालय जैसा पर्वत खड़ा हो गया। बात समझ आई? तो जो हिमालय पर्वत है वो बलित पर्वत इसको कहा जाता है, मोरदार पर्वत इसको कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के टेलर साहब ने जो ये सिद्धांत दिया ना, सिद्धांत में ये बलित पर्वतों को समझाना इनका प्रमुख उद्देश्य था कि इन बलित पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ। वो अगर आप बलित पर्वतों के निर्माण को समझ गए तो अपने आप पृथ्वी, ये जो आपके महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति है, ये अपने आप समझ जाओगे। जैसे सुनिएगा, उन्होंने दो बातें रखी, उन्होंने कहा उत्तर और दक्षिण, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका। आपने देखा वर्ल्ड ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा ना, तो आपने देखा होगा कि एक साइड में पूरा क्या है, ऊपर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दोनों में ही एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसे रॉकीज और एंडीज पर्वत कहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है कि जो रॉकीज और एंडीज पर्वत है अमेरिकी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ये कौन पर्वत है, ये मोरदार या बलित पर्वत है। उसी प्रकार से आप पूर्व में चले जाइए, तो पूर्व में जब जाते हैं तो अल्पाइन पर्वत आते हैं, अल्पाइन जिसे आल्पस, काकेशस और हिमालय आदि पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं, देखा ना, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ये आकार है उसका फैलने का, किसका, अल्पाइन पर्वत का। हिमालय भी कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। तो टेलर ने इन्हीं को समझाने का प्रयास किया है, इन्हीं मोरदार बलित पर्वतों को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने संकुचन के सिद्धांत के विपरीत स्थल विस्थापन का सिद्धांत बताया है कि स्थल का विस्थापन हुआ है साहब वहीं पर नहीं है, इनका विस्थापन हुआ है, प्रवाह हुआ है। टेलर ने कहा या कहें कि टेलर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसकी शुरुआत कहां से की, उसकी शुरुआत हुई क्रेटेशियस युग से। ये कब, कौन से युग की बात कर रहे हैं आप, ये हम बात कर रहे हैं 145 से 66 मिलियन साल पहले की, 145 से 66 मिलियन साल पहले जो युग था उस युग को हम क्रेटेशियस युग के नाम से जानते हैं। कहा गया है कि इस युग में, क्रिटेशियस युग में, जो पूरा खंड था, पूरा धरातल था ना, ये दो भागों में बटा हुआ था। ये चित्र में देखिए आप, एक उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये इसको हम कहते थे लोरेशिया। क्या कहते थे, लोरेशिया। और दक्षिण वाले हिस्से को हम कहते थे गोंडवाना। तो ये लोरेशिया और गोंडवाना दो हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने कल्पना की कि जो स्थलीय भाग था वो सियाल के बने हैं और सागरों में सियाल का पूर्णतः अभाव है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा पहले। अच्छा, ये पिक्चर को देखिए, ये पृथ्वी का एक भाग हमने लिया, पृथ्वी का एक भाग लिया, इसमें ऊपर आप देख रहे हैं क्या है, सियाल, उसके बाद में सीमा और नीचे है मेंटल। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, परत को, जो हमारी परत, उसको क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। सियाल मतलब हमारा जो क्रस्ट है वो सियाल, उसके बाद में उसके नीचे क्या आएगा, सीमा, उसको सीमा कहेंगे, और सबसे लास्ट में मतलब पृथ्वी के केंद्र में मेंटल, ठीक है। ये तीन धातु मान लीजिए आप। तो इन्होंने कहा, टेलर साहब ने कहा कि
पृथ्वी का जो क्रस्ट था, ऊपरी भाग जो था, जो धरातल था, वो सियाल से बना था। किसे? सियाल से, ठीक है। लेकिन जो महाद्वीप थे वहां सियाल बने थे, और जो महासागर थे जहां नीची जगह थी वहां पर सियाल नहीं था, उसका अभाव था, बल्कि ये सियाल जो है ना, ये सीमा पर तैर रहा था। सियाल सीमा पर तैर रहा था। उन्होंने क्या कहा? महासागर जैसी कोई चीज नहीं थी उस समय में। क्या कहा उन्होंने? दो क्षेत्र थे, लोरेशिया और गोंडवाना, दोनों किसके बने हुए थे? सियाल के बने हुए थे, और ये सीमा पर तैर रहे थे, सीमा पर तैर रहे थे। टेलर ने महाद्वीपों का प्रभाव मुख्य रूप से विषुवत रेखा की ओर बताया। उन्होंने कहा कि लोरेशिया और गोंडवाना दोनों का ही जो प्रभाव था वो भूमध्य रेखा की ओर होने लगा। भूमध्य रेखा कहां पर है? इसमें, ये बीच में खींची है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो दोनों ही का प्रवाह जो है किधर होने लगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की ओर होने लगा। बात समझ आई ना? होने लगा। तो स्थल प्रवाह का मुख्य कारण क्या था? ज्वारी बल था। अब बात यह आएगी कि यह प्रवाह क्यों हुआ, कैसे हुआ भाई, क्यों हुआ, अपने आप प्रवाह क्यों होने लगा? ये ज्वारीय बल के कारण होने लगा। ज्वारीय बल क्या था? ज्वारीय बल सूर्य और चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर ज्वारीय बल उत्पन्न होता है। देखिए, ज्वारीय बल चंद्रमा और सूर्य जैसे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला एक बल है। ये बल पृथ्वी को खींचता है और दबाता है। बात समझ आई? गुरुत्वाकर्षण का बल खींचेगा, और जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी पर ज्वारीय बल लग रहा है वो खींचेगा, वो पृथ्वी, समझिए ना, पृथ्वी पर, पृथ्वी का खुद का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी की सारी वस्तुओं को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। वहीं अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है लेकिन वो दूरी पर बहुत है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है, पृथ्वी के पास में है वो, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल भी अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, तो पृथ्वी का जो मटेरियल होगा, जो तत्व होंगे, वो उनकी ओर भी खींचेंगे, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उनको भी खींच रहा है अपनी ओर। जैसे मान लो ना कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म कर दे तो पृथ्वी का सारा जो भी मटेरियल आइटम है ना, वो सबका सब कुछ चांद के पास पहुंच जाएगा, कुछ सूरज के पास पहुंच जाएगा, पृथ्वी खत्म। बस समझ आई? अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो, ठीक है, तो यही तो हुआ। इसी कारण से सूर्य और चंद्रमा के कार के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वारीय बल उत्पन्न होता है। ये क्या करता है? ये अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है। इसलिए कहा गया कि ये बल एक तरफ खींचता है और दूसरी तरफ ये दबाता है। इससे दो ज्वारीय उभार बनते हैं। इन उभारों के कारण ही स्थल भागों का ध्रुव की ओर प्रवाह होने लगता है, स्थल की ओर प्रवाह होने लगता है, विषुवत रेखा की ओर प्रवाह होने लगता है। ये दोनों, लोरेशिया और गोंडवाना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहने लगते हैं। इसके बाद में चंद्रमा की अधिक ज्वारी शक्ति के कारण लोरेशिया उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा, और इस प्रवाह ने उत्तरी ध्रुव के पास खिंचाव पैदा कर दिया। तो इस खिंचाव और तनाव के कारण है बेफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर और डेविस जल डमरू मध्य की रचना हुई। क्या हुआ भाई? समझिए ना, ये लोरेशिया है, समझिए, जब लोरेशिया भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने लगा, ऐसा कैसा ये पूरा, तो जहां पर ये पहले था अब वो जगह खाली होने लगी। अब वो जगह खाली हुई तो क्या हुआ? वहां पर पानी भरने लगा। अब वो पानी भरा तो वहां पर ये विभिन्न जो भी महासागर थे इनकी उत्पत्ति हो गई, ठीक है, खाली जगह हुई, पानी भरा, वहां महासागर बन गए। इस प्रकार गोंडवाना लैंड, जो नीचे वाला हिस्सा है, गोंडवाना लैंड दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर मतलब ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगा, इधर प्रवाहित होने लगा, ये कई भागों में टूट गया। प्रवाहित होने से पहले कई भागों में टूट गया, देखिए ना, टूट रहा है, ये कहीं से ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, ये भारत वाला हिस्सा ऊपर आकर यहाँ चिपक जाएगा, ठीक है, ये अफ्रीका वाला हिस्सा टूट गया, ये अमेरिका वाला हिस्सा टूट गया, तो ओके, ये टुकड़ों में टूट गई है। इस कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ क्या हुआ? रास सागर बन गया, रास सागर बन गया। दक्षिणी अटलांटिक और हिंद महासागर का निर्माण प्रभावित होते हुए महाद्वीपों के बीच खाली स्थान में जल भरने के कारण हुआ था। जो खाली स्थान बचेगा वहां पर जल भर जाएगा, अपना जो है महासागर की उत्पत्ति हो जाएगी। क्लियर हुआ का दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं सेशन पूरा आपको कंप्लीटली समझ आया होगा, ठीक है। अब एक बार आपको सटीक रूप से जो है इस पीडीएफ का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से पीडीएफ दे रहा हूं, उसे डाउनलोड करके एक बार रिवीजन जरूर लगा लेना, तो आपको पूरी कंप्लीटली आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। अगले सेशन में हम बात करेंगे समस्थिति सिद्धांत की, समस्थिति सिद्धांत की थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, क्लियर है, लेक्चर नंबर 12 के रूप में। जो भी नए छात्र हैं वो नोट डाउन कर ले, या आगे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं।
कोई इश्यू है आपका तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली सभी लिंकें दी गई है, आपको जो चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आप लोगों मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, लोदाई क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे सभी सेशन और मेरे जो भी प्रयास है आप लोगों के लिए वो सब आप तक पहुंच पाए। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।